नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे आप एक अच्छा सा इंट्रो बना सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए। अगर आप बिगिनर्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आप इस मेरे वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, एंड तक देखिए। इसमें मैं आप लोगों को एकदम सिंपल ईजी वे में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप इंट्रो बना सकते हैं। आप चाहे जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हो अपने एडिटिंग के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए, आप किसी में भी आसानी तरीके से आप इंट्रो को बना सकते हैं। इंट्रो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे यूट्यूब चैनल के लिए। मतलब जो यूज़र आपका वीडियो देखते हैं तो फर्स्ट इम्प्रेशन जो होता है वो आपके इंट्रो से ही होता है। आपको टाइटल थंबनेल आपने अच्छा दे दिया, यूज़र आपके अंदर गया, वीडियो आप बोल रहे हैं अच्छे से, फिर जो इंट्रो जो आता है ना उससे यूज़र क्या होता है कि एक अट्रैक्शन होता है। और जो लोगो जो आप देते हैं या फिर इंट्रो में अपना यूट्यूब चैनल का नाम देते हैं तो क्या होता है, वो नाम लोगो देख कर यूज़र के मतलब ब्रेन में वो बैठ जाता है आपका यूट्यूब चैनल का नाम। तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। तो इंट्रो हमेशा मतलब आप अपने यूट्यूब चैनल के वीडियो में देना चाहिए और ट्राई करिए अच्छा डिज़ाइन करके आप दें। तो मैं सिंपल वे में बताऊँगा, इतना ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं है। तो लैपटॉप स्क्रीन पे चलिए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। और इससे पहले भी मैं मतलब आउट्रो, इंट्रो, बैनर, थंबनेल ये सब का भी मैं वीडियो बना चुका हूँ सिंपल वे में। आप उसे भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। तो ये काफ़ी हेल्प होगा आपके यूट्यूब चैनल के लिए। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ मैं यूट्यूब के लिए अच्छा मतलब बताते जा रहा हूँ यूज़र्स को, ताकि उससे ज़्यादा हेल्प मिले अपने चैनल को ग्रो करने के लिए। सो गाइस, चलिए अब शुरू करते हैं। मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेक्नो फॉर इंडिया यूट्यूब चैनल। तो मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूँ। तो सबसे पहले मैं फिल्मोरा ओपन कर लेता हूँ। मेरे पास फिल्मोरा 9 है। आपके पास जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर आप उसे यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको एडिटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, आप अगर फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप फिल्मोरा 9 यूज़ करिए, क्योंकि ये काफ़ी ईजी है। इसमें टूल्स वगैरह जो दिए हुए हैं काफ़ी आसानी से आप उसे चला सकते हैं। और मैं आपको कंप्लीट गाइड भी कर दूँगा। आप मुझे कमेंट में आप कमेंट करिए कि आपको अगर फिल्मोरा 9 के लिए रिक्वायरमेंट आप अगर सीखना चाहते हैं, तो मैं आपका कमेंट देखकर मैं उस हिसाब से मैं इसका एक ट्यूटोरियल कंप्लीट बना दूँगा कि आप कैसे एक यूट्यूब वीडियो को फिल्मोरा 9 में एडिट करके अच्छे तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से आप उसे फिर यूट्यूब चैनल में अपलोड कर सकते हैं। तो इसका कंप्लीट मैं गाइड एक बना दूंगा फिल्मोरा 9 का। और फिल्मोरा 9 इसलिए मुझे भी अच्छा लगा क्योंकि जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स है मैक्सिमम फिल्मोरा 9 ही यूज करते हैं। और जो प्रोफेशनल है एडिटिंग वगैरह कोर्स वर्स किए हैं, सीखे हुए हैं, तो आफ्टर इफेक्ट्स हो गया, सोनी वेगस प्रो, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है एडिटिंग का, वो सारे यूज करते हैं। तो मैं आपको फिल्मोरा 9 ही बताऊंगा। अगर आप नए हैं तो फिल्मोरा 9 ही आप यूज करिए। तो अभी इंट्रो बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हम लोगों को क्या चाहिए, क्योंकि इतने प्रोफेशनल मैं भी नहीं हूँ, हो सकता है आप लोग भी नहीं हो, क्योंकि जो लोग प्रोफेशनल होते हैं उन लोग तो खुद से वो टेम्पलेट्स वगैरह डिजाइन कर लेते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में या प्रीमियर प्रो में। तो अभी तो टेम्पलेट्स डिजाइन करना बहुत ही मतलब मुश्किल काम है। तो मैं फ्री टेम्पलेट्स यूट्यूब में मिल जाता है जो क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस के साथ आता है, तो वो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो आप यूट्यूब खोलिए, यूट्यूब खोलकर आप इंट्रो टाइप करिए। आप इंट्रो वीडियो फॉर यूट्यूब चैनल, ठीक है, आप उसे एंटर मार लीजिए। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़, आप फिल्टर में जाइए, फिल्टर पर जाके क्रिएटिव कॉमन्स, ये क्या होता है क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस। इसमें क्या होता है कि आप किसी के भी वीडियो को आप दोबारा से रीयूज कर सकते हैं, मतलब कुछ मॉडिफाई वगैरह करके आप उसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कई सारा टेम्पलेट्स आपको मिलेगा, ये सब बैकग्राउंड इफेक्ट्स है, ठीक है। इस पर आप लोगो अपना डाल सकते हैं या तो फिर टेक्स्ट लिखकर आप उसे एडिट कर सकते हैं अपने चैनल के इंट्रो के हिसाब से, ठीक है। कई सारे मिलेंगे, बहुत सारे, सब फ्री है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप आराम से देखिए कॉपीराइट फ्री लिखा हुआ है, आप डाउनलोड करिए और उसे यूज करिए। डाउनलोड करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, या तो फिर एक ट्रिक्स है मैं आपको बता देता हूँ। www.youtube.com है जो यूट्यूब के आगे, आप जस्ट SS प्रेस करिए फिर एंटर दे दीजिए। सॉरी, पहले आपको वीडियो सिलेक्ट करना है, उसके बाद SS करके एंटर दे दीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, उस वीडियो का डाउनलोड ऑप्शन आ जाएगा, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहले आप वीडियो सिलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद यूट्यूब के बीच में SS दीजिए, फिर वो डाउनलोड। तो इस तरह का मैंने दो टेम्पलेट्स डाउनलोड कर रखा हूँ, तो उस टेम्पलेट्स को पहले ओपन कर लेता हूँ। और हाँ, इंट्रो में
आप अपना लोगो दिखाना चाहते हैं तो लोगो भी मुझे इम्पोर्टेंट है कि आप लोगो, एक यूट्यूब चैनल का आपका एक अच्छा सा लोगो हो जिसे आप इंट्रो में शो करवाएं। अगर लोगो नहीं है तो आप जस्ट टेक्स्ट लिख के भी आप शो करवा सकते हैं। तो मैं, लोगो है मेरे चैनल का इसलिए मैं लोगो ही दूंगा ताकि अच्छा हो उससे। और अगर लोगो डिजाइन करना है, आपने अगर डिजाइन नहीं किया है, अगर डिजाइन करने में परेशानी है, तो मैं इसका भी एक ट्यूटोरियल बना रखा हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं कि कैसे फोटोशॉप में एक लोगो डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, फोटोशॉप ना हो तो आप कैसे मोबाइल पे भी लोगो डिजाइन कर सकते हैं। सिंपली मैं हर एक तरीका लोगो के बारे में बता के रखा हूँ कि जो भी आसान तरीका हो आप उस हिसाब से लोगो डिजाइन कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लीजिए। तो पहले मैं ये दोनों इंट्रो और मेरे लोगो दोनों को सिलेक्ट करके ओपन कर लेता हूँ। ये मेरा मीडिया सेक्शन में आ चुका है। तो अभी इसमें से मैं एक इंट्रो ले लेता हूँ, ये टेम्पलेट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी टेम्पलेट्स को आगे करिए। देखिए, ये एक लैपटॉप का इंट्रो है। टेम्पलेट्स को आगे करिए, देखिए ये वाला भी इंट्रो हम लोग ले सकते हैं। इसे इसे मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ। ठीक है, आपको दिखा देता हूँ ये बनाकर। फिर क्या करना है, आप जस्ट वीडियो को प्ले करिए और देखिए ये जो लैपटॉप लैपटॉप देखिए, इस ऑप्शन को आपको देखना है। यहाँ जो कर्जर है इसे आप ड्रैग करके, जैसे ये एंट्री हुआ लैपटॉप का और ये लैपटॉप ये ओपन हुआ, उसके बाद जैसे ही डिस्प्ले इसका फुल ब्राइट हो गया, देखिए ये टेक्स्ट आ गया है। तो टेक्स्ट में हम लोगों को क्या करना है, अपना टेक्स्ट डालना है या लोगो डालना है। फुल ब्राइट हो गया, वहाँ पे मैं ये लोगो को लाके रख देता हूँ। ठीक है, लोगो को सिलेक्ट करता हूँ, इसको एक साइज छोटा करता हूँ, छोटा करके यहाँ देखता हूँ। ठीक है, और अभी देखिए लैपटॉप जहाँ बंद होगा, देखिए लैपटॉप जहाँ बंद होगा वहाँ मेरा लोगो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या करना है, देखिए वो जो बैकग्राउंड है, टेम्पलेट्स का बैकग्राउंड आ रहा है, उसे डिलीट करना है। तो इसके लिए क्या करना है, आप कुछ भी नहीं, बड़ा आसान तरीका है। आप सिंपली ये जो व्हाइट बैकग्राउंड है, इसीलिए सिंपली आप पेंट पे जाइए। पेंट पे जो ये व्हाइट बैकग्राउंड को इसको छोटा कर दीजिए, फिर आप इसे सेव कर लीजिए। से सेव कर लिया, उसके बाद फिर अब इसे ओपन करिए, राइट क्लिक इंपोर्ट। क्या करना है, व्हाइट वाले बैकग्राउंड को मुझे ठीक लोगो के साथ ही लैपटॉप स्क्रीन के हिसाब से मुझे इसे रखना है। तो आप एक काम करिए, ये व्हाइट बैकग्राउंड को पहले नीचे लाइए, फिर लोगों को ऊपर ले जाइए। ठीक है, अब देखिए। सही है, अब मुझे क्या करना है, जो लोगो है उस पर कुछ मोशन दे देता हूँ ताकि वो दिखे और भी अच्छा दिखे। बूम इफेक्ट डाल देता हूँ, काफी अच्छा है। अब आप देखिए, सही है, इसे मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ।
इंट्रो, इसे एक्सपोर्ट कर लीजिए, सेटिंग देख लीजिए ना, सेटिंग पूरा आपको बेस्ट होना चाहिए ताकि लोगो और भी अच्छा क्लियरिटी आए। चलिए मैं आप लोग को अब दूसरा एक और एक बना के दिखाता हूँ टेम्पलेट्स, ताकि आप लोग को मतलब आइडिया कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो वीडियो को थोड़ा आगे तक और देखिए, मैं और एक टेम्पलेट्स आपको बना के दिखाता हूँ। ये वाला ले लेता हूँ, बहुत सारे आपको टेम्पलेट्स मिलेंगे यूट्यूब पे, सब आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, अपने हिसाब से बना लीजिए। तो फिलहाल जो मेरे चैनल पे इंट्रो चल रहा है वो इंट्रो मैं आप लोगों को बना के दिखाऊंगा। ये वाला इंट्रो मेरे चैनल पे चल रहा है, यहाँ से मैं राइट क्लिक करके स्प्लिट कर देता हूँ, उसे डिलीट कर देता हूँ। मैं अपना लोगो ले आता हूँ, लोगो रखता हूँ यहाँ पे। अब देख लीजिए लोगो कहाँ से शुरू होना चाहिए। लोगो मेरा यहाँ पे आएगा, ये देखिए ये जो मोशन है, ये जो लोगो को और थोड़ा पीछे ले आता हूँ, ये जो मोशन जहाँ पे जस्ट खत्म होगा, देखिए यहाँ मेरा लोगो का एंट्री होना चाहिए। ये जो व्हाइट आ गया ना, यहाँ मेरा लोगो का एंट्री होना चाहिए, मतलब इसको आप हल्का सा यहाँ रख के फिर आप लोगो को एंट्री दे दीजिए। लोगो को, लोगो का साइज थोड़ा छोटा कर दीजिए। सेंटर में करिए प्रॉपर, ठीक है। एक बार प्ले करके देख लेता हूँ, सॉरी थोड़ा लोगो मेरे और पहले आना चाहिए। ठीक है, इंट्रो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम मतलब 6 से 7 सेकंड, उससे ज़्यादा इंट्रो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ क्या करता हूँ मैं, इसे थोड़ा सा काट कर डिलीट कर देता हूँ, मैं 7 7 सेकंड का इंट्रो बनाता हूँ। बस हो गया, अभी मुझे इसमें एक मोशन देना है, मोशन मोशन में डाल देता हूँ एक, यही इफेक्ट सही है, बूम इफेक्ट। अब देखिए इसके साथ ही आपके चैनल का अगर कोई स्लोगन है, स्लोगन देना चैनल पे काफी अच्छा है, वो काफी अच्छा इंप्रेशन होता है स्लोगन देने से। तो कोई अगर स्लोगन है तो आप उस स्लोगन को ये नीचे इस जगह एरिया में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो स्लोगन लिखने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें टाइटल में जाना है, यहाँ पे कोई भी एक सिंपल सा टाइटल आप ले लीजिए, और लोगो जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं से आप स्लोगन को भी स्टार्ट करिए, फिर इस टाइटल पे आप डबल क्लिक करिए। डबल क्लिक के बाद एडवांस में जाइए, एडवांस में जाने के बाद ये रिसाइकल बिन से पहले तो ये जो टाइटल सब है उसे आप डिलीट कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे एक टाइटल क्रिएट करिए, ठीक है। टेक्स्ट यहाँ पे आप लिख दीजिए, जो मेरा चैनल का स्लोगन है वही मैं लिख देता हूँ, टेक्नोलॉजी विथ ट्रस्ट। टेक्नोलॉजी मेड विथ ट्रस्ट, ये मेरा चैनल का स्लोगन है, तो मैंने लिख दिया। इसे सिलेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा साइज इसे मैं छोटा कर देता हूँ, ज्यादा छोटा हो गया, थोड़ा सा और बड़ा। अब मैं इसे सेंटर कर देता हूँ, ठीक है। और कलर चेंज कर लीजिए, यहाँ से इफेक्ट से भी आप ले सकते हैं, व्हाइट कलर है, व्हाइट कलर को आप चेंज करिए, ब्लू कर देता हूँ मैं, इफेक्ट सब चेंज करिए।
है, कोई भी इफेक्ट्स आप अच्छा सा रख सकते हैं। और एक काम आप यहाँ पे करिए, इस वाले ऑप्शन में जाइए, शेप में, ये लाइन वाला शेप ले लीजिए, ये जो लाइन यहाँ पे आ चुकी है जस्ट इसके नीचे ही आप इसे शिफ्ट प्रेस करके यहाँ तक लंबा कर दीजिए। ठीक है, अब इसमें मैं एनिमेशन दे देता हूँ, बहुत सारे एनिमेशन हैं, कोई भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये सब हो गया, ये सब सारे एनिमेशन आप दे सकते हैं। ठीक है, तो जो मुझे अच्छा लगा मैं ये एनिमेशन यहाँ पे दे देता हूँ, फिर एक बार आप प्ले करके देखिए। सही है, आप इसे फिर एक्सपोर्ट कर दीजिए। तो इस वे में आप फिल्मोरा पे अच्छा अच्छा इंट्रो बना सकते हैं। तो भाई दोनों इंट्रो में आप लोगों को प्ले करके दिखाता हूँ, जो मैंने इंट्रो यहाँ पे साफ सेव किया हुआ है, कि पहला इंट्रो मैंने बनाया, कॉपीराइट फ्री आप म्यूजिक यूज कर सकते हैं, वो भी यूट्यूब पे डाउनलोड करने से मिल जाएगा, या किसी भी साइट पे डाउनलोड करेंगे मिलेगा। और ये जो टेम्पलेट्स के साथ भी जो म्यूजिक आते हैं वो भी कॉपीराइट फ्री होता है, उसे भी आप यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये दूसरा इंट्रो मैंने जो बनाया वो देख लीजिए, तो इस तरह का इंट्रो आप बना लीजिए अपने चैनल पे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं और भी लेकर आऊँ और आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।